हेलो गाइस, मैं विजय गोस्वामी और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज के ब्लॉग में हम आए हैं दिल्ली के कालकाजी मंदिर के अंदर। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज मेरी स्टडी चल रही है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लेके आऊं। तो चलते हैं, देखते हैं आज के इस पूरे ब्लॉग को। अरे ज़्यादातर लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है कालकाजी में पीछे की तरफ। ये कालकाजी में पीछे की तरफ से है, ये इसका जो एंट्रेंस है, क्योंकि लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आते क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, और पीछे महाकालेश्वर का धूना भी है। जब भी आप लोग आओ वहाँ पे एक बार विजिट जरूर करना, दर्शन करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे। ये पीछे की तरफ मैं भी कालकाजी में नीचे की साइड, बाकी आगे चलते हैं। यहाँ से हो गए हम एंटर। मेरे को लगा था भीड़ होगी। अभी हैं हम नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ ये मंदिर वहाँ पे आए हैं, ऊपर तो हमें दर्शन हो गए। ये महाकाल बाबा की वो हो रही है, यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है इसकी, शिवलिंग की। महाकाल का आशीर्वाद तो अपने पर शुरुआत से ही है वैसे भी। ये शनिदेव महाराज, यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। ये है हमारे केदारनाथ बाबा की वह शिवलिंग, ये नंदी जी कहते हैं। यहाँ पे हर चीज़ अगर कान में बोली जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है, तो एक बार आके आप सब भी ट्राई करो, आपकी भी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी तो काफ़ी सारी विश पूरी हो चुकी है यहाँ पे आके। अब बाहर तो हम लोग निकल गए, दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। सोचा नहीं था ऐसे दर्शन होंगे क्योंकि बिल्कुल ना लाइन में लगना पड़ा ना कुछ, और फर्स्ट टाइम अंदर से जो माँ काली की मूर्ति है वो देखी पहली बार। फ़ोटो भी खींची है मैंने उनकी, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, पर मैंने फिर भी चुपके से फ़ोटो खींच लिए। बाकी मज़ा आ गया। सोचा नहीं था कैसे दर्शन हो जाएंगे, मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, पर भीड़ के नाम पर कुछ भी नहीं था। अंदर आराम से घुसे, चुटकी में बाहर निकले, सब जगह दर्शन करे और आ गए। मतलब मैं अभी तक काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ पर, तो कोई टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और नवरात्रों में तो बिल्कुल भी जगह ही नहीं मिलती, हेडलाइन मतलब रात रात भर गुजर जाते हैं लोगों के खड़े खड़े, पर वही नंबर नहीं आ पाता किसी का भी जल्दी से। बहुत ज़्यादा लक्की है वहाँ, जब इतना बिल्कुल मस्त ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए कसम से, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अंदर से। अब बस लास्ट रह गए,